हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड योर गोल टीचिंग क्लासेस। आई होप यू ऑल गाइस आर फाइन। लास्ट वीडियो में हम फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको थ्री सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। देन इसका जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। देन उन डिविजन्स को डिफरेंट क्लासेस और सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो चलिए एक एक करके आज सारे सब फाइलम को कंप्लीट कर लेते हैं। सो जो फर्स्ट सब फाइलम है वो है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा जो सब फाइलम है उसको ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि उसको ट्यूनिकेटा क्यों कहा जाता है। यूरोकॉर्डेटा जो वर्ड है वो थ्री ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, यूरोकॉर्डा एंड एटा। यूरो मीन्स ट्रेल, कॉर्डा मीन्स रॉड एंड एटा मीन्स ग्रुप। इस फाइलम के जो एनिमल है उनमें जो नोटोकॉर्ड है वो टेल ऑफ लावा में ही प्रेजेंट होगी। लावा की जो टेल होती है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और मेटामॉर्फोसिस के टाइम में वो टेल लॉस्ट हो जाती है, इसलिए जो एडल्ट है वो टेल लेस होते हैं। इसी वजह से इस फाइलम को यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस के टाइम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो लॉस्ट हो जाता है। बॉडी ट्यूनिकॉर्ड टेस्ट से कवर होती है, ट्यूनिकॉर्ड टेस्ट से कवर होती है। ये जो ट्यूनिकॉर्ड टेस्ट है वो ट्यूनिसिन से बना होता है। ट्यूनिसिन एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको एनिमल सेल्यूलोज भी कहा जाता है। इसकी ट्यूनिक और टेस्ट जो ट्यूनिसिन से बना होता है, इसी वजह से इस फाइलम का नाम ट्यूनिकेटा है, सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा, क्योंकि इसकी जो बॉडी एक ट्यूनिसिन एक कार्बोहाइड्रेट है उससे कवर होती है, इसी वजह से इस फाइलम का नाम ट्यूनिकेटा है। देन इसमें जो फीडिंग है वो सिलियरी होती है, सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग इज प्रेजेंट। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूमरस गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टिग्मेटा भी कहा जाता है। न्यूमरस गिल स्लिट्स और स्टिग्मेटा आर प्रेजेंट। ये जो गिल स्लिट्स हैं ये फेरिंग्स की लेटरल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको ब्रैंकियल बास्केट भी कहा जाता है। जो स्टिग्मेटा है वो एक्टोडर्मल लाइंड कैविटी में ओपन होते हैं जिसको एट्रियम कहा जाता है। एक्टोडर्मल लाइंड कैविटी होती है एट्रियम, उसमें ये स्टिग्मेटा जाकर ओपन होते हैं। देन एक्सक्रीशन जो है वो न्यूरल ग्लैंड के थ्रू होता है। ये सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के एनिमल्स रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। दे आर मोस्टली ससाइल एंड मेराइन एंड फिल्टर फिट। ये ससाइल होते हैं, दीज आर मेराइन, मोस्टली ससाइल एंड फिल्टर फिट। यूरोकॉर्डेटिक की जो स्पीशीज हैं वो 1300 स्पीशीज इसकी प्रेजेंट है। दीज आर अबाउट 1300 स्पीशीज ऑफ यूरोकॉर्डेटा। देन एग्जाम्पल्स, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है हार्डमेनिया। हार्डमेनिया जिसको सी स्कर्ट भी कहा जाता है। देन एसीडिया, सेल्पा, डोलियोलम एंड डोलियोलम एंड एक है पायरोसोमा। पायरोसोमा एसीडिया जो है वो सिडेंट्री यूरोकॉर्डेट है। एसीडिया इज अ सिडेंट्री यूरोकॉर्डेट। और सल्पा और डोलियोलम पेलेजिक यूरोकॉर्डेट हैं। देन एक इसमें आता है पायरोसोमा, ये भी यूरोकॉर्डेट है। ये फॉस्फोरिसेंस शो करता है, इट शोज फॉस्फोरिसेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पायरोसोमा जो है, क्योंकि यही एक यूनिक यूरोकॉर्डेट है जो फॉस्फोरिसेंस शो करता है। देन हार्डमेनिया के कुछ जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। हार्डमेनिया को द सी स्कर्ट कहा जाता है। इसकी जो हैबिटेट है ये सिडेंट्री है, ग्रीगेरियस है और सिलियरी फीडर है। इट इज़ बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल है। और इसकी लाइफ हिस्ट्री में फ्री स्विमिंग लावा है। फ्री लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड्स फ्री स्विमिंग लावा, फ्री स्विमिंग लावा जिसको टैडपोल कहा जाता है, कॉल्ड टैडपोल। ये
रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है, रेट्रोग्रेसिव शोज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसकी बॉडी जो है वो टेस्ट और ट्यूनिक से कवर हुई होती है, टेस्ट एंड ट्यूनिक से कवर होती है, जो ट्यूनिसिन कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, ट्यूनिसिन जो एक कार्बोहाइड्रेट है उससे बनी होती है। देन इस ट्यूनिसिन को एनिमल सेल्यूलोज भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एनिमल सेल्यूलोज। बॉडी ट्यूनिसिन से कवर होने की वजह से ही जो फाइलम यूरोकॉर्डेटा है उसको ट्यूनिकेटा कहा जाता है, ट्यूनिकेटा कहा जाता है। देन ये था जो फाइलम यूरोकॉर्डेटा था, ये उसका ये फाइलम यूरोकॉर्डेटा कंप्लीट हो जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट सब फाइलम करते हैं, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो हेड टू टेल प्रेजेंट होती है, और ये टेल जो है थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहती है, इसमें कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, टेल थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होगी। सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा में, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट्स में सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, दीज हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है, एंड प्रे हार्ट इज ऑल्सो एबसेंट, हार्ट भी इनमें एबसेंट होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट एबसेंट होता है, एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड भी एबसेंट होती है। दीज आर फिश लाइक स्मॉल साइज मेराइन कॉर्डेट्स, ये फिश लाइक स्मॉल साइज और मेराइन कॉर्डेट्स हैं, ये मोस्टली जो फाइलम सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के एनिमल्स हैं ये मेराइन होते हैं, दीज आर मेराइन। दे हैव डॉर्सल कॉडल एंड एनल फिन, इनमें डॉर्सल कॉडल एंड एनल फिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो पेयर्ड फिन है वो एब्सेंट होते हैं। बॉडी मसल्स अरेंज्ड इनटू अ सीरीज ऑफ वी शेप्ड ब्लॉक्स ऑफ स्ट्रेट मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स कॉल्ड मायोटॉम्स। बॉडी मसल्स आर अरेंज्ड इनटू अ सीरीज ऑफ वी शेप्ड ब्लॉक्स ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स कॉल्ड मायोटॉम्स, जिनको मायोटॉम्स कहा जाता है, जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वी शेप्ड ब्लॉक्स में अरेंज्ड होती हैं। स्ट्रेटेड मसल्स आर अरेंज्ड इनटू अ वी शेप्ड ब्लॉक्स, जिनको मायोटॉम्स कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड मायोटॉम्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, प्रोटोन और उसमें सोलेनोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट्स। फॉर एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं एम्फियोक्सिस, जिसको ब्रेंक्योस्ट्रोमा और लेंसिलेट भी कहा जाता है। इसमें ओनली 23 स्पीशीज प्रेजेंट हैं, 23 स्पीशीज, दीज आर अबाउट 23 स्पीशीज ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, 23 ही स्पीशीज जो हैं इसकी प्रेजेंट हैं। देन जो एम्फियोसिस है, एम्फियोसिस इसको ब्रेंक्योस्ट्रोमा, ऑल्सो कॉल्ड ब्रेंक्योस्ट्रोमा एंड लेंसिलेट, इसका जो नेम है ब्रेंक्योस्ट्रोमा का जो नेम है वो कॉस्टा ने दिया था, नेम इज गिवन बाय कॉस्टा, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है ब्रेंक्योस्ट्रोमा इसका नाम दिया था। ब्रेंक्योस्ट्रोमा जो और एम्फियोक्सिस जो है वो ब्यूरो में रहता है, लाइव्स इन ब्यूरो, सीलियरी फीडर है, सीलियरी फीडर, और ये यूनिसेक्सुअल है, इट इज यूनिसेक्सुअल। बोथ यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा दोनों को, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों को मिलाकर प्रोटोकॉर्डेट कहा जाता है, प्रोटोकॉर्डेट कहा जाता है क्योंकि ये प्रिमिटिव कॉर्डेट हैं। एक्रिनिएट्स भी इनको ही बोला जाता है, इनको ये क्रिनिएट्स भी बोला जाता है क्योंकि इनमें ना क्रीनेमी है और ना ही ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है। देन नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी इनको कहा जाता है, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स को प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है, एक्रिनिएट्स भी कहा जाता है, और नॉन वर्टिब्रेट्स भी, वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी कहा जाता है। दीज आर मेराइन, ये दो यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेटा जो है ये दोनों मेराइन हैं। ओल्डेस्ट सिफेलोकॉर्डेट पिकेया जो है वो ओल्डेस्ट
सिफेलोपोडेट है, ये पीकेई है, ही आई के ए आई ए, इसको जो है वो ओल्डेस्ट सिफेलोकॉडेट कहा जाता है। सिफेलोकॉडेट में सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज हैव सेंसरी सेल्स, जिनको सेल्स ऑफ जोसेफ कहा जाता है, सेल्स ऑफ जोसेफ कहा जाता है, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको सेल्स ऑफ जोसेफ कहा जाता है। देन जो बक्कल कैविटी होती है फाइलम सिफेलोकॉडेट्स में, सिफेलोकॉडेट बक्कल कैविटी हैज व्हील ऑर्गन कॉल्ड मूलर ऑर्गन और रोटेटरी ऑर्गन, जिसको मूलर ऑर्गन और रोटेटरी ऑर्गन बोला जाता है, रोटेटरी ऑर्गन कहा जाता है। इसमें टू ही यूनिक जो इसके कैरेक्टर है, एक तो ये है कि इसमें जो सेंसरी सेल्स हैं उनको सेल्स ऑफ जोसेफ कहा जाता है, और दूसरा जो है बक्कल कैविटी में व्हील ऑर्गन होता है जिसको मूलर ऑर्गन और रोटेटरी ऑर्गन कहा जाता है। देन कम्स टू द सब फाइलम वर्टिब्रेटा, मोस्ट एडवांस सब फाइलम। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को ही क्रेनिएटा भी कहा जाता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, लेटर रिप्लेस बाय वर्टिब्रेट। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है, लेकिन बाद में वह वर्टिब्रेट कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। वर्टिब्रेट कॉलम को ही बैकबोन भी कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वेल डेवलप्ड होते हैं। ब्रेन एक बॉक्स के अंदर कवर होता है जिसको ब्रेन बॉक्स कहा जाता है और क्रेनियम कहा जाता है। इस ब्रेन जो है वो क्रेनियम के अंदर पैक्ड होता है, इसी वजह से इस सब फाइलम को क्रेनिएटा कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रेन है वो क्रेनियम के अंदर कवर होता है। देन एपिडर्मिस जो है वो मैनी लेयर्ड है होती है। जो फाइलम वर्टिब्रेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, उसमें जो एपिडर्मिस है वो मैनी लेयर्ड होती है, जो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम से बनी होती है, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। इंटरनल मेटामेरिज्म शो करता है रिब्स, वर्टिब्रे, मसल्स एंड नर्व्स में ये मेटामेरिज्म शो करता है। देन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसमें किडनी प्रेजेंट होती है जो ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ब्लड रेड कलर का होता है। जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, उस वजह से इसका जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। देन हार्ट 2, 3 और 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है। फाइलम वर्टिब्रेटा में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन गिल्स, स्किन एंड लंग्स के थ्रू होता है। गिल्स स्किन एंड लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। देन इनमें जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। दीज हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दीज हैव बाइलेटरल सिमेट्री। एंड दीज हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। एंडोस्केलेटन कार्टिलेज और बोन्स से बनी होती है। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस और बोन्स। टू पेयर्स ऑफ लेटरल अपेंडिजेस लाइक फिन्स इन फिशेस। टू पेयर्स लेटरल अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं फिशेस में फिन्स प्रेजेंट होंगे और जो टेट्रापोड्स हैं उनमें लिम्स प्रेजेंट होंगे। यूनिसेक्सुअल हैव वन पेयर ऑफ गोनेड्स। यूनिसेक्सुअल होंगे जो फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा के जो एनिमल्स हैं वो दीज आर यूनिसेक्सुअल एंड हैव वन पेयर ऑफ गोनेड्स। वन पेयर ऑफ गोनेड्स इनमें प्रेजेंट होंगे। एंड दीज हैव एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स इनमें प्रेजेंट होंगी विच सिक्रीट हॉर्मोन्स टू रेगुलेट द बॉडी फंक्शन। जो हॉर्मोन्स सिक्रीट करेंगे विच सिक्रीट्स हॉर्मोन्स टू रेगुलेट बॉडी फंक्शंस। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एजिनेथोस्टोमेटा एंड जिनेथोस्टोमेटा। इनको ही जॉज, प्रेजेंस ऑफ जॉज के बेस पर इनको 2
डिवीजन में डिवाइड किया गया है। देन ए जिनेथोस्ट्रोमा जो है ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं विदाउट जॉज, माउथ में जॉज प्रेजेंट नहीं होंगे, ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं। नोटोकॉर्ड प्रसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होगी। एक्सोस्केलेटन एंड पेयर पेयर्ड अपेंडिजेस एब्सेंट होंगे, एक्सोस्केलेटन एंड पेयर्ड अपेंडिजेस एब्सेंट होते हैं। इंटरनल ईयर हैव वन और टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इंटरनल ईयर में वन या टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होंगे। देन जिनेथोस्ट्रोमेटा, इसमें जॉज प्रेजेंट होंगे, जॉ वर्टिब्रेट्स होंगे, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम से। पेयर्ड अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं जिनेथोस्ट्रोमेटा में। इंटरनल ईयर में थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होंगी, इंटरनल ईयर हैज थ्री सर्कुलर सेमी सर्कुलर कैनाल्स। एजिनेथोस्ट्रोमेटा में 8 or 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होंगी, होती हैं क्रेनियल नर्व्स। और जिनेथोस्ट्रोमेटा में 10 to 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। सब डिवीज़न एजिनेथोस्ट्रोमेटा की सिंगल क्लास है जिसको साइक्रोस्ट्रोमेटा नाम दिया गया है। एंड जिनेथोस्ट्रोमेटा के टू सुपर क्लासेस हैं टेट्रापोडा एंड पाइसिस। पाइसिस को अगेन टू लिविंग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कॉन्ट्रिच थाइस एंड ऑस्ट्रिच थाइस। क्लास लाइक साइक्लोस्ट्रोमेटा, जो एजिनेथोस्ट्रोमेटा जो सब डिवीज़न है उसकी जो क्लास है वो है साइक्लोस्ट्रोमेटा। इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं। देन साइक्लोस्ट्रोमेटा जो क्लास है उसमें सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है, सर्कुलर माउथ इज प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर माउथ बाउंडेड बाय सेक्टोरियल फनल, फनल हैज हॉर्नी शीथ हैविंग हॉर्नी टीथ। सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है जिस जो सेक्टोरियल फनल से बाउंड हुआ होता है। फनल में हॉर्नी शीथ प्रेजेंट होती है जिसमें हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं, फनल हैज हॉर्नी शीथ हैविंग हॉर्नी टीथ। बॉडी ईल लाइक होती है जो एक्टोपैरासाइट ऑन द फिशेस, बॉडी ईल लाइक एंड एक्टोपैरासाइट ऑन द फिशेस। देयर बॉडी इज ईल लाइक, दीज आर जनरली एक्टोपैरासाइट ऑन द फिशेस। ये फिशेस के ऊपर एज अ एक्टोपैरासाइट रहते हैं। मीडियन फिन्स प्रेजेंट होते हैं एंड पेयर पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, मीडियन फिन्स आर प्रेजेंट एंड पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। सिंगल नॉस्ट्रिल इनमें प्रेजेंट होता है जिसको मोनो रिंकस कहा जाता है। सिंगल नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट, जिसमें सिंगल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है उसको मोनोरिंकस कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड मोनोरिनस। स्किन इज विदाउट स्केल्स, स्किन में स्केल्स एब्सेंट होते हैं। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनस बट एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट। एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है लेकिन जो एक्सोस्केलेटन है वो एब्सेंट होता है। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट साइक्लोस्ट्रोमेटा में प्रेजेंट होता है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, लेटरल लाइन जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन जो है वो फंक्शनल पीनियल आई इज प्रेजेंट, लेटरल लाइन जो सेंस ऑर्गन है उसमें एक पीनियल आई प्रेजेंट होती है जो एज अ लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन बिहेव करती है। सब जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है उसमें 6 to 15 पेयर्स इंटरनल गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं, जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। 6 to 15 पेयर्स ऑफ इंटरनल गिल्स आर प्रेजेंट विच आर हेल्पफुल फॉर रेस्पिरेशन। सेक्सेस यूनिसेक्सुअल होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लैम्प्रेस, एम्पोकोइटस लावा रिजेंबल एम्फीबियस इन एम्फियोक्सिस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। एम्पीकोइटस लावा जो है वो लैम्प्रेस का लावा है जो स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में एम्फियोसिस के साथ रिजेंबल करता है, विच रिजेंबल्स एम्फियोक्सिस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। दीज आर पॉइकिलोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड, ये पॉइकिलोथर्मल है और कोल्ड ब्लडेड है, मेराइन है और फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं। जो क्लास साइक्लोस्ट्रोमेटा में आते हैं वो मेराइन है और फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं। इट हैज़ अबाउट 42 स्पीशीज, इनकी ओनली 42 स्पीशीज प्रेजेंट हैं। इट हैज़ अबाउट 42 स्पीशीज। देन इसके एग्जाम्पल्स पेट्रोमाइसोन जिसको सी लैम्प्रे कहा जाता है,
पेट्रोमाइजोन, सी लैम्प्रे कहा जाता है, और मिक्सिन जिसको हैग फिश भी बोला जाता है। पेट्रोमाइजोन और सी लैम्प्रे में एम्बो कोइटस लार्वा प्रेजेंट होता है, कोइटस लार्वा इज प्रेजेंट जो एम्फियोक्सिस के साथ स्ट्रक्चर और फंक्शन में रिजेंबल करता है, विच रिजेंबल्स एम्फियोक्सिस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पेट्रोमाइजोन इज अ मेराइन संगीवोरस एंड एक्टोपैरासाइट साइक्रोस्ट्रोमेट, एक्टोपैरासाइट साइक्रोस्ट्रोमेट मेराइन है, संगीवोरस है और एक्टोपैरासाइट साइक्लोस्ट्रोमेट है। ये था साइक्लोस्ट्रोमेटा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स। देन कम्स टू द सब डिवीजन जिनेथोस्ट्रोमेटा। जिनेथोस्ट्रोमेटा में हमने पढ़ लिया है कि इसमें जिनेथोस्ट्रोमेटा के जो एनिमल्स हैं वो जॉड वर्टिब्रेट्स हैं, नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस होती हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है और इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती है। और जो डिवीजन जिनेथोस्ट्रोमेटा है उसकी 2 सुपर क्लासेस हैं, टेट्रापोडा एंड पाइसिस। टेट्रापोडा जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं और जो पाइसिस है वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। टेट्रापोडा की टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है और पाइसिस की एक्वेटिक हैबिटेट है। लोकोमोशन बाय 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, टेट्रापोडा में लिम्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो पाइसिस हैं उनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन टेट्रापोडा में लिम्स के थ्रू होगी और पाइसिस में फिन्स के थ्रू लोकोमोशन होगी। रेस्पिरेशन टेट्रापोडा में लंग्स के थ्रू होती है और जो पाइसिस है उसमें रेस्पिरेशन ब्रैंकियल रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन पाइसिस में प्रेजेंट होती है। टेट्रापोडा में 4 feet प्रेजेंट होंगे, 4 feet टेट्रापोडा है, 4 feet मतलब 2 पेयर्स लिम्स प्रेजेंट होंगे लेकिन पाइसिस में फिन्स के थ्रू लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। जो पाइसिस क्लास है उसको 2 क्लासेस, पाइसिस सुपर क्लास है उसको 2 लिविंग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कॉन्ट्रिच थाइस एंड ऑस्टिच थाइस। कॉन्ट्रिच थाइस एंड ऑस्टिच थाइस 2 सुपर लिविंग क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो चलिए अब इनके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं।